अतिथि एस रमनन जी, आदिल जैनवाल जी, जैनल भाई, एम पोनो स्वामी जी, रोहित साबू जी, अभिनव भाटिया जी, कुणाल सूद जी और तमाम हमारे देश विदेश से पधारे हुए तमाम उद्यमी और अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इवेंट राजस्थान का दूसरा दिन आ जाए। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हुए हैं, दूसरे दिन भी, ये अपने आप एक संदेश है। राजस्थान सरकार हमेशा एमएसएमई के साथ आपको, पहले भी हमने प्रयास किया जब कोरोना था तब भी, आगे भी आपका पूरा, कैसे आपके जो योजनाएं हैं, जो आपकी सोच है, उनको हम लोग हर बार बजट में शामिल करने का प्रयास करते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब सरकार बनी थी हमारी और 2019 के अंदर ही हमने एमएसएमई को लेके एक्ट पास किया और 3 साल तक कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी सरकार से एमएसएमई इकाइयों को, वो फैसला किया और उसके बाद में 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया। आप सोच सकते हैं शुरुआत से ही एमएसएमई से ही सरकार उद्योगों के क्षेत्र में अपनी सोच रखती सकारात्मक। एमएसएमई का इतिहास ही बहुत शानदार रहा है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री बने तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, वो दूरदृष्टा थे, उनकी दूरदृष्टि थी कि उस वक्त ही प्लानिंग कमीशन बना, उस वक्त ही वो तमाम संस्थाएं बनी, IIT, IIM, एम्स, बड़े बड़े कल कारखाने लगे। और मैं सोचता हूँ अगर वो उस वक्त में ये फैसले नहीं होते देश के लिए, तो आज भी हमारा मुल्क दूसरे विकसित राष्ट्रों की तरह भी देखता रहता, पाकिस्तान की तरह। नींव मजबूत हुई तो आज उसमें से निकल के आए हैं टेक्नोक्रेट, उस पर निकल के आए मैनेजमेंट के लोग, बड़े बड़े कर खाने लगे तो उसमें से रॉ मटेरियल मिलता है एमएसएमई को भी। और आप सोच सकते हैं कि एमएसएमई परिभाषित भी पहली बार प्लानिंग कमीशन के माध्यम से की गई और एक आधार बना करके जो सोच रखी गई कि एमएसएमई छोटे उद्योगों के लिए क्या क्या सुविधाएं मिले, क्या प्रायोरिटी मिले, कैसे उनको लोन मिल सके, ये तमाम जो है यूपीए गवर्नमेंट बनी तो कानून पास कर दिया, अलग विभाग पहली बार बना एमएसएमई के लिए, तब और महत्व मिला और तमाम बैंकिंग सिस्टम हो, सीडबी हो, सबको ये लगा कि प्रायोरिटी में एमएसएमई को देनी है। एमएसएमई की परिभाषित जब पहली बार हुई प्लानिंग कमीशन की सोच के आधार पर, सर्वे के आधार पर, और आज आप देखिए देश की जीडीपी के अंदर 30% योगदान होना एमएसएमई की बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों की। 6 लाख उद्योग तो राजस्थान में है, अभी राजीव अड्डा जी बता रहे थे, 1,35,000 के लगभग एक्सपोर्टर हैं। इस सेक्टर कोई मामूली सेक्टर नहीं है। जितना एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा उतनी आर्थिक स्थिति राजस्थान की मजबूत होगी, ये सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये बात लागू पूरे मुल्क के लिए लागू होती है। रोजगार देते हैं तो एमएसएमई दे रही, ज्यादा रोजगार
देश के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एमएसएमई के माध्यम से हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि जिस रूप में आप लोग यहाँ आए हैं जिन उम्मीदों के साथ में, आपने महसूस किया होगा कि कोरोना के बाद में या कोरोना के दरमियान में भी हमने हमेशा ध्यान रखा किस प्रकार से वो सब सुविधाएं मिले, वो सब फैसले हों जिससे कि आप लोग अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रख सकें, कमजोर स्थिति नहीं बने। क्योंकि साल भर तक कोरोना में लॉकडाउन रहनी बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। हमने आपके, क्योंकि प्री बजट मीटिंग हम करते हैं तो उसमें आप लोग भी आते हैं, सब सेक्टर के लोग बुलाते हैं और जो सुझाव आप लोग देते हैं उसके आधार पर फैसले भी करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं। आप देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार ने एमनेस्टी स्कीम्स लेके आके घोषणाएं करके, चाहे इंटरेस्ट की बात हो, चाहे पेनल्टी की बात हो, चाहे प्रिंसिपल भी क्यों नहीं हो, कई योजनाओं में प्रिंसिपल तक माफ हुए। इस प्रकार से सरकार हमेशा आपके साथ आपकी खड़ी रही और वही कारण है कि आज हम ऐसी स्थिति में हैं। और जो आधार बन गया, हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में और हम उसको आगे बढ़ाएं और उसी रूप में हम लोग हर सेक्टर को, हर तरह के एमएसएमई की इकाई, उन सबको, उन सबका ख्याल रखें। अलग अलग समस्याएं भी होती है आप लोगों की, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क बन गया है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना बड़ा गांव बाड़मेर जैसलमेर दोनों की धरती के अंदर कितने हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले शिल्पी हैं, रहते हैं, कितने लोगों का तकदीर बदल गई है इस हैंडीक्राफ्ट उद्योग से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो कलाएं लुप्त होती जा रही थी वो जिंदा हो गई वापस, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। खादी की स्वच्छताएँ बहुत ज़्यादा है, उनको किस प्रकार से सुविधाएं मिले जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े रह सकें। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि एमएसएमई का भविष्य उज्ज्वल है आज भी। आप देखिए रिफाइनरी का, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर। 40 साल में खुद देख रहा था बॉर्डर पर जैसलमेर बाड़मेर, ऑल इंडिया की कंपनी हो, ONGC हो, खूब ट्राई कर रही थी तेल की खोज की, नहीं मिल रहा था। आखिर में केन एनर्जी सफल हो गई बाड़मेर के अंदर। आज देश का 20% से अधिक तेल रास्ता में निकल रहा, कल आने लगे वाली बता देते आपको किस प्रकार से ये क्षेत्र पनप सकता आगे भी। गैस निकलने की संभावना यहाँ पर है। तो टोटलिटी के अंदर ये जब सिनेरियो बना तो हमने भी जिद पकड़ ली कि हमें रिफाइनरियां लगवानी है। मुरली देवड़ा जी मंत्री थे, कोई मंत्री रहा हो, हमने पीछे छोड़ा ही नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, मिले सोनिया गांधी को, जब मौका लगा रिफाइनरी लगनी चाहिए राजस्थान के अंदर। क्योंकि अकाल सोके पढ़ते पढ़ते सदियों से हम लोग भुगत रहे हैं, पीने का पानी नसीब नहीं होता है। लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल आज़ादी के बाद में गोविंद वल्लभ पंत आए और जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त में ये बननी शुरू हो गई, तो आज कई जिलों में पीने का पानी मिल रहा है। ERCP की योजना हमारी ठप पड़ी हुई है, ठप क्या पड़ी हुई है, स्लो है, अभी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से पूरी सोच के साथ में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और तेल निकल गया रिफाइनरी, आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में स्वीकृत हो गई, हमने शिलान्यास कर दिया। मिस्टर वीरप्पा मौली मंत्री थे,
कहने के वो और यूपी चेयर पर्सन मिसेस सोनिया गांधी आ गई, सब कुछ हो गया और सगा बदल गई यहाँ पर। और उसके बाद में 5 साल लगभग 4.5 साल बंद पड़े रही दबाव में। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, पुनः शुरू हुआ काम। आज मैंने कल कहा था वो 40,000 करोड़ आज 70,000 करोड़ का बन गया। पर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको एमएसएमई के लिए, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो फॉर्चुनेटली साइमल्टेनियसली बन रहा है। जनरली जो रिफाइनरी बनती है उसके बाद में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। राजस्थान की रिफाइनरी पचपदरा में साथ साथ बन रहा है और 383 इसमें किलोमीटर एरिया के अंदर डेवलप एरिया कर रहे हैं हम लोग। भारत सरकार को एक फॉर्मिलिटी होती है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, लिखा गया है, नहीं तो हमें तो काम चालू करना ही है। वहाँ हजारों इकाई आएगी, 150 के लगभग मेरे ख्याल से, 150 प्रकार की पोरों में पॉलीमर्स और प्लास्टिक आधारित उद्योग उसमें लगेंगे। कितनी छोटी छोटी एमएसएमई की इकाई आएगी, पूरे प्रदेश के लोग आ सकते हैं उसके अंदर। जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो आएगा और पूरी प्लानिंग के साथ में अगर एरिया डेवलप होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी आप सबसे बड़ी आवश्यकता है। एमएसएमई का और रोजगार का बहुत बड़ा संबंध है। बड़े उद्योग लगाए रोजगार मिलता है एक सीमा तक, पर एमएसएमई की जो हजारों लाखों इकाई बनती है, अब 6 लाख इकाई किसे कहते हैं? तो जितना ज्यादा मजबूत एमएसएमई सेक्टर होगा उतनी मजबूत उस प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था होगी, इतनी मजबूती से रोजगार उपलब्ध होंगे नौजवानों को, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि आईआईटी बन गई, तो आज मैंने कहा मैन पावर में लग गया, आपको टेक्नोक्रेट आ गए, मैनेजमेंट के लोग आ गए, तो तमाम बातें एक दूसरे जुड़ी हुई है। उद्योगपति वही आता है जहाँ सब सुविधाएं होती है। तो हम राजस्थान में मैं समझता हूँ कि जो प्रयास चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा सुविधाएं हो तभी परिवार आते हैं, चाहे देश के किसी कोने से लोग आते हों, उद्योग लगाने के लिए आते हों या मजदूर आते हों या मैनेजमेंट के लोग आते हों, तो सुविधाएं चाहिए, पीने के पानी हो वहाँ पर ढंग से, बिजली की उपलब्धता हो, शिक्षा की सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, अच्छी सड़कें हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे हों। तो राजस्थान आज मैं समझता हूँ कि सभी क्षेत्र में, बल्कि सड़कों के क्षेत्र में भी आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो एक कहावत थी, तो गुजरात से जब आते हैं रास्ते में अगर नींद आ जाए तो नींद खुल जाए तो मतलब राजस्थान आ गया है। इतनी सड़कें खराब थी यहाँ पर, राजस्थान आते ही मालूम पड़े राजस्थान आ गया है। अब उल्टा मामला हो गया है, आप पापा कीजिए। कल तो गौतम अडानी जी बैठे हुए थे इसलिए मैंने कहा नहीं, जानबूझ करके मैंने कहा उनको खुश करके भेजो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। वरना मैं कहने वाला था कि अब सड़कें उल्टी हो गई मामला, जब आप सूरज से बढ़े जाओ तो सड़क खराब मिलेगी आपको। राजस्थान की सड़कें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे अच्छे बने, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और हम लोगों ने भी इस गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दे रखी है, किस प्रकार बजट में घोषणाएं हो रही है रोड्स को लेकर के। मैं खुद सर्वे कराता हूँ कि फ्रेश सड़कें किस जिले में कौन कौन सी है, कलेक्टर के थ्रू करवाता हूँ, जिससे कि कोई पक्षपात नहीं हो, प्रायोरिटी उनको मिले जो वास्तव में सड़कें ज़्यादा खराब है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि राजस्थान में तमाम माहौल ऐसा बन जाए, राजस्थान में अगर माहौल बनाने में हम कामयाब हो गए तो ये जो इवेंट जो सक्सेस हुई है कल आज, इसको मजबूती मिलेगी
और ज्यादा इन्वेस्टर आने के प्रयास करेंगे। ब्यूरोक्रेसी राजस्थान की है, वो हमेशा समर्पित रहती है। कई हमने प्रयास किए हैं कि कैसे इन्वेस्टर को पूरा सम्मान भी मिले, उनको परेशानी नहीं हो, अड़चन नहीं आए, और काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं। कुछ कमी होगी उसको दूर हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं राजस्थान विकास के मार्ग प्रशस्त हो तेज गति से। आज देखिए आप, ये तमाम जो हालात हैं, 3 साल के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है राजस्थान का, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है राजस्थान के अंदर, इसके क्या मायने हैं? कुछ तो किया हुआ हम लोगों ने। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी लेके आते हैं तो सेविंग होती कुछ परिवार के अंदर, महंगे के जमाने में वो सेविंग काम आती है। अगर मेडिकल साइड में हमने 0 कर दिया, आपका बजट मान लो खर्च हो लगभग 0 होता है, तो कुछ सेविंग हुई है, वरना कितना खर्च होता है मेडिकल के अंदर, दवाओं का भी, ऑपरेशन का भी। और एक ऐसा कदम उठाया गया है जो शायद देश में तो नहीं है, मेरे ख्याल दुनिया के मुल्कों में शायद ही कहीं होगा, तो किडनी ट्रांसप्लांट फ्री हो रही है, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है, सब कुछ फ्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है। ये कोई सबके तकलीफ नहीं आती है, पर जिस घर तकलीफ आती है, जिस घर में, वो जानता है कि मेरा मकान बिकेगा, गहने बिकेंगे, कहाँ से मैं, अच्छे अच्छे परिवार के लोग भी बोलते नहीं है, पर उनको इलाज करवाना पड़ता है, माँ बापों का ही पता है कि ये बच्चे के नहीं, तब भी हमारे संस्कृति ऐसी है, लास्ट मोमेंट तक हम लोग लाख रुपए लग जाए, 2 लाख लग जाए, अपने माँ बाप को जिंदा रखना चाहते हैं। संस्कृति राजस्थान की है, हिंदुस्तान की है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सब कुछ अब संभव है, ऐसी स्थिति बन गई है। कल मैंने कहा आपको, 6 यूनिवर्सिटी थी मेरे वक्त में जब मैं पहली बार सीएम बना, आज 89 यूनिवर्सिटी है। कॉलेज मैंने खोला आपको, 210 कॉलेज अभी मैंने खोले 3 साल के अंदर, जबकि 70 साल में 250 कॉलेज खुली थी। इसके अपने मायने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई, 7-8-10 मेडिकल कॉलेज खुल गई। पहले बच्चे जाते थे पूना और कर्नाटक और महाराष्ट्र में, आज सारे बच्चे ही पढ़ते हैं, अधिकांश बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सुविधाएं मिलने लग गई है, प्राइवेट सेक्टर को हमने प्रमोट किया है, उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा है, और तमाम तरह की जो एक्टिविटी होती है अब राजस्थान में, तमाम वो प्रीमियर संस्थाएं देश की जो पंडित नेहरू ने उस वक्त बनाई थी और हम तरसते थे उनके लिए, और IIT यहाँ पर, IIM उदयपुर के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर, IIIT कोटा के अंदर, एलएन मित्तल साहब आए नहीं पिछली बार जब आए थे 2000 के अंदर पहली बार, तब मैंने उनसे मनवाई थी IIIT, और वो शानदार इंस्टीट्यूट खड़ी हो गई है, डीम यूनिवर्सिटी की तरह हो गई है, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी के 3-4-5 बन गई, कोई कमी नहीं रहा। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके, सरकार खुद प्रमोट कर रही है। अब यहाँ पर जयपुर में कोचिंग हब बनना लक्ष्य है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा कि कोचिंग जितनी इंस्टीट्यूट है, ट्रैफिक जाम होता है, बच्चों को तकलीफ होती है, उन तमाम कोचिंग संस्थाओं को आप यही जगह हब बना करके बिल्डिंगें खड़ी कर दी आपने। आपको कोचिंग का जमाना है, कोटा तो आप देख लीजिए, सेंटर बना हुआ पहले से ही है। तो कहने का मतलब ये तमाम जो एक्टिविटी है वो एक दूसरे लिंक होती है। ये MSME वाले कोई बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, अनुभव काम आएगा। तो सरकार ने तो 200 बच्चों को, मेरे ख्याल 200 तो चले गए हैं, ज्यादा चले गए होंगे। आज विदेश में हम लोग 50 लाख 1 करोड़ फीस लगती है, पूरा सरकार दे रही है उनको। टैलेंट बच्चे जाने चाहिए, जिनके पास साधन खुद के नहीं है उनको बाहर भेजो, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। उसी रूप में हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि व्यवस्था कर रखी है, और पॉलिसी भी हमने इतनी अच्छी बनाई है जिससे कि आपके बेहतर मार्केटिंग,
कैसे हो सके, कलाएं जीवित रह सके और हमारे उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन सके। जो पॉलिसी बनाई है उसके अंदर प्रोविजन किए हैं, उसके माने ये कि किस प्रकार से हम लोग मार्केटिंग बड़ी बात होती है, कोई कहीं लगा भी ले तो मार्केटिंग क्या होगा उसका। और सिर्फ के चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बात कही है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि किस प्रकार ये सहयोग करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। इन्वेस्टर को क्या चाहिए, एमएसएमई लोगों को अगर टाइम पे लोन मिल जाए और सरकार इंसेंटिव दे दे उनको सब तरह से, जैसे मैंने कहा कि 3 साल के बजाय 5 साल हमने कर दिया, कोई परमिशन जरूरत नहीं, 8% तक ब्याज जो है मुक्त कर दिया है, अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 8% भी है, 7% भी है, 5% भी, 0 भी है, 0 ब्याज भी है कुछ स्कीम के अंदर। तो इस प्रकार हम सब जो है चाहेंगे, बजट आने वाला है, प्री बजट मीटिंग होगी तब हम और आपकी बातें सुनेंगे और जो सुझाव आप देंगे मैं उसको प्रयास करूंगा किस प्रकार से इस सेक्टर और मजबूत हो आने वाले वक्त के अंदर, उसके लिए हम लोग फैसले करेंगे। यही बात कहता हूँ मैं आप सबको, आपके प्रति बहुत शुभकामनाएं, आपके आपके परिवार के प्रति, आप लोग पधारे हो मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरी शुभकामना रहेगी कि आपका खुद का उद्योग और ये एमएसएमई का जो सेक्टर है और मजबूत हो राजस्थान के अंदर, आप फले फूलें। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।